हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोई ऐसा फैन मिला क्रेजी उस फिल्म के बाद जिसने कहा हो कि विश्वकन्या डस डस के मार दो मुझे? मेरे बहुत सारे क्रेजी फैंस थे। वो जमाने में मोबाइल फोन्स नहीं थे, इंस्टाग्राम नहीं था, तो लोग पर्सनली रीच आउट करते थे। मेरा एक क्रेजी फैन था, उसका नाम उन्होंने खुद रखा था अनायस अनायस, क्योंकि वो टाइम वो मेरा फेवरेट परफ्यूम था। अच्छा। और उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू बी क्लोजेस्ट टू योर बॉडी करके बोलता था, एंड वेरी क्रीपी। और वो मुझे एक दिन में कुछ 1000 बार फोन करता रहता था। आई डोंट नो हाउ ही गॉट माई नंबर। उसके बाद मैंने कंप्लेंट किया था फोन डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने बोला हम टैप कर लेंगे आपका लाइन को, जब वो फोन करेंगे तो आप टक टक करना, फोन अलार्म ट्रिगर हो जाएगा एक्सचेंज में। एंड वो जैसे बात करते थे, आई वुड डू दैट डिस्कनेक्टिंग ट्वाइस, एक्सचेंज में वो अलार्म बजता था और उनको आवाज आती थी कट 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 कट, और वो कहता था ओ आप मुझे ट्रेस करना चाहते हो, आप ट्रेस नहीं कर पाओगे मुझे। फिर वो खून में लिखता था, यू नो। फिर एक दिन एक बिकिनी ऑक्शन हुआ था, मेरा लुटेरे का बिकिनी ऑक्शन में चला गया था। उन्होंने खरीदा वो बिकिनी को, एंड दे सेड व्हाई हैव यू बॉट दिस बिकिनी, ही सेड इफ आई कांट हैव हर एट लीस्ट आई कैन हैव हर बिकिनी। फिर वो आई नो क्रेजी, देन एक दिन घंटी बजी एंड ही वॉक्स थ्रू द डोर होल्डिंग माय बिकिनी इन हिज हैंड लाइक दिस। आई वाज सो स्कैर्ड, मम्मी थी, मेरे भाई थे, दे वर लाइक व्हाट इज दिस। मैंने उनको प्यार से बिठाया, समझाया, लिसन आई डोंट वांट टू गो टू द पुलिस, आपका प्यार मोहब्बत इज वेरी वेरी पॉजिटिव, आई एम श्योर आप बहुत बार मेरी पिक्चर को देख चुकी है शायद, यू नो, इसलिए इतने टिकटें बिकी है, आपने शायद 100 बार खुद आपने ही देखी होगी। एंड जब तक मेरी शादी हुई वो मेरा पीछा नहीं छोड़े थे, इट वॉज जस्ट नॉन स्टॉप। आई हैड क्रेजी फैन, दे वुड डू द वियर्डेस्ट थिंग्स, मेनी 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 फैंस, बट वो जमाना अलग जमाना था। कबीर सर, जब आपको लड़कियां फोन करती थी, आप तो नहीं करते होगे पुलिस कंप्लेंट? ऐसी कोई शिकायत नहीं करता था, क्यों करूं? हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। कबीर सर, आपका खून भरी मांग में ना हमें वो सीन बड़ा खतरनाक सा, जिसमें आप नाव में बैठे और रेखा जी को धक्का दे देते हो। आपको पता है बेड़ा घाट में जहाँ पे आपने शूट किया था, वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं ना तो नाव जो चलाते हैं वो लोगों को दिखाते हैं कि यही वो जगह है जहाँ कबीर बेदी जी ने रेखा को धक्का दिया था। तो जब ये बात सुनती ना लेडीज जो अपने पतियों के साथ गई होती हैं, वो फिर पति का हाथ छोड़ के ना चप्पू को पकड़ देती हैं कि कहीं मेरा पति भी ना मुझे धक्का दे। उस फिल्म के बाद कभी रेखा जी के फैंस ने किसी ने आके आपको बोला कि आपने गलत किया कबीर साहब? कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बातें की, लेकिन मैंने कहा कि रेखा ने मुझे माफ कर दिया तो आप भी मुझे माफ कर दीजिए। कबीर सर, हमने आपकी जो बुक है उसमें हमने कुछ आपकी फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें आप राजीव गांधी और संजय गांधी जी के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जी। तो आप बचपन से उनके दोस्त थे कि आपके खेलते खेलते बॉल चली गई थी उनके घर में? मतलब आप साथ में पढ़ते थे एक स्कूल में? साथ में पढ़ते थे एक स्कूल में, पहला स्कूल था मेरे दिल्ली में, और राजीव मेरे से 1 साल बड़ा था, संजय 1 साल छोटा, और अच्छी दोस्ती हो गई, घर बुलाते थे और फिर उनके फुटबॉल के साथ खेलते थे। अच्छा जी। और दोस्त हमेशा रहे। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो मैं उनको मिलने गया। अच्छा जी। तो खड़ा था वेटिंग रूम में, राजीव ने दरवाज़ा खोला, वहाँ सारे मिनिस्टर बैठे हुए थे, क्या कबीर कम 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 कम। तो मैं अंदर चला गया, दरवाज़ा बंद किया, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ऐसा एक्सपेंस करके दिखाया और कहा कहाँ फंस गए यार। राजीव प्राइम मिनिस्टर यार सीरियस हो जाओ। तो मेरे दोस्तों से कहा, तो मेरे दोस्तों सीरियस होने की बात मत करो, सब मुझे कहते हैं सीरियस हो जाओ, मुझे ऐसा मत कहो, मजे की बातें करें। तो मजे की बातें करके निकले वहां से। हाँ एक्चुअली कोई प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए अंदर से इंसान तो है, बट कितने मजेदार किस्से कबीर सर आपके, वाओ बहुत से किस्से। मैं आपकी बुक आई थिंक प्रवीण जी के पास है भी, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। पहले तो फ्रंट पेज पे जो कवर पेज पे आपकी फोटो है वो कितनी खूबसूरत है, आप इसको जरा क्लोजअप करके दिखाइए। इसकी इटालियन एडिशन भी रिलीज हुई है जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीती है। माय गॉड। और यहाँ जब यहाँ रिलीज हुई तो अमेज़न की मोस्ट पॉपुलर बुक का पुरस्कार जीती है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इतने लोगों ने मेरी किताब खरीदी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब मेरी स्टोरी जान जाए, उम्मीद करता हूँ आप पढ़ेंगे। और ये भी एक खूबसूरती है इस किताब की कि अगर आप पहला चैप्टर अगर पढ़ना शुरू करेंगे उसके बाद आपको इसकी लत लग जाएगी और आप पूरी ही पढ़ के छोड़ेंगे, इतने मजेदार किस्से हैं। थैंक यू फॉर दिस बुक कबीर सर। थैंक यू कबीर।
पूजा आप अपने कॉलम के जरिए लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती थी ना ये पेपर में, अभी भी तो, करती हूं। अभी भी करती है, तो लोगों को ये कुछ सवाल है तो जो भी आप पूजा जिसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हैं आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, आपको माइक दे दिया जाएगा। जी भाई साहब लो जी मेल क्वेश्चन आएगा। हेलो हेलो एवरीवन सर, मेरा नाम अर्षद है, मैं मैनपुरी से हूँ। जी जी सर, मेरा सवाल पूजा मैम से है। मैम मेरी वाइफ है ना, वो फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स की फोटो देखती है कि वो अपने हस्बैंड के संग गोवा गए हैं, कहीं मनाली घूमने गए हैं, तो मुझसे भी झगड़ती है कि मुझे भी घूमने ले जाओ, मुझे भी घूमने जाना है, तो मैम उसके लिए कोई सॉल्यूशन बताइए प्लीज। उनको लेके जाओ। नहीं मैम असल में टाइम नहीं रहता है, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो मैम उसको कुछ समझाइए कि टाइम नहीं है, तो थोड़ा रुक के जाना, अभी शादी को 1.5 साल ही हुआ है, अभी टाइम है, चले जाएंगे। शादी के 1-2 साल तो चलो घर में ही बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। किसी का भी मन नहीं होता बाहर जाने का। मतलब क्या करें इसका तो इलाज है। मेरी वाइफ भी संग में आई, आप उनको कुछ समझाइए मैम। हेलो, लेके तो आए आज बाहर है ना आज। जी नमस्ते जी, कैसी हैं आप? जी अच्छी हूँ। क्या करना है गोवा जाके? घूमना है, देखना। ये भाई साहब नहीं लेके जाते आपको बाहर कहीं? नहीं सर, ये मुझे कहीं भी नहीं लेके जाते हैं। आज तो लेके आए यहाँ पे आज? जी सर यही आई हूँ आज मैं। हनीमून पे गए थे आप बाहर? नहीं मैम आज आए, अब लेके आए मुंबई। 1.5 साल बाद आप यहाँ आए, हनीमून मना रहे हैं यहाँ पर आप? फिर तो वाकई शिकायत करना जायज है। मैं ऑफिस से छुट्टी भी टाइम नहीं मिलता ना, अब छुट्टी लेके आए हैं। ऐसी कौन सी ऑफिस है जो 1.5 साल से छुट्टी नहीं मिली तुम्हें यार? है? क्यों नहीं छुट्टी मिलती आपको? सर बॉस छुट्टी नहीं देता है। बॉस की बीवी है? यस सर है। सर वो मेरे ऊपर ऑफिस छोड़ के ना वो खुद घूमने निकल जाते हैं। अच्छा, तो खुद अपनी बीवी के साथ ही जाते हैं? पता नहीं सर। बॉस का कुछ ढूंढो ऐसी चीज कि आपको छुट्टी देने में थोड़ा आनाकानी ना करे। ऐसा बॉस कोई वीडियो, वीडियो निकाल लो बॉस का। ये सही रहेगा। मुंबई आप घूमने आए कि रहते हो मुंबई में? जी सर घूमने आए। अच्छा जी, कितने दिन हो गए? सर अभी दूसरा दिन है सर। दूसरा दिन है? पहले आपके शो पे ही आए सर। शुक्रिया ब्रदर। और क्या क्या देखा? सर अभी तो कुछ नहीं, आपके शो पे आए। दूसरा दिन है ना, पहले दिन क्या किया? नहीं सर पहले दिन तो रेस्ट किया ना, आके थक गए दूर से आए। अच्छा यहाँ ला के भी होटल से बाहर नहीं निकाला? चलिए आप घूमिए फिरिए एंजॉय कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी 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 भाई साहब। हेलो एवरीवन। हाय हाय कपिल। हेलो सर, मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरी वाइफ मुझ पे डाउट करती रहती है। डाउट तो मुझे भी आप पे है। उठते सारी जो इन्होंने किया ना, हाय तो रंजीत साहब की याद आ गई मुझे, ऐसे इन्होंने किया कुछ। आपका नाम क्या है? माय नेम इज श्रेयस एंड आई एम कमिंग फ्रॉम कांदीवली। अच्छा अच्छा जी सर, वेलकम वेलकम। रात को जब भी ऑफिस से वापस आता हूँ तो हग करती है। अच्छा, लेकिन हग के अंदर ऐसा लगता है कि प्यार कम लेकिन वो सीआईडी वाली फीलिंग थोड़ी रहती है। कि शर्ट से कुछ ढूंढना चाहती है कि कोई सुबह जो परफ्यूम लगाया था उससे कोई अलग परफ्यूम की खुशबू तो नहीं आ रही, ऐसा कुछ ढूंढने का ट्राई कर रही है, ऐसा लग रही है। ऑफिस के काम से कभी लेट हो गया तो डाउट होता है, कभी मोबाइल पे कुछ रात को सोशल मीडिया पे है, ऑफिस का काम कर रहे हैं कुछ वो कर रहे हैं तो भी उसको डाउट होता है कि भाई मोबाइल पे क्या कर रहा है, इतनी लेट तक क्या कर रहा है। तो पूजा जी मुझे क्या करना चाहिए कि उसका डाउट वंस फॉर ऑल वो खत्म हो जावे, उसको यकीन हो जावे कि नहीं भाई ये जो बाल गए हैं उसके प्यार में ही गए हैं और लाइफ में कोई भी नहीं है, उतना खाली मुझे यकीन दिलाना है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कहता हूँ किस दिन पकड़े ही जाओ, बात ही खत्म करो। आपकी वाइफ आई है आपके साथ? यस यस शी इज हियर। हेलो मैम। हेलो सर, आई एम नेहा। हेलो नेहा जी। एंड वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। इनकी कॉलेज में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। अच्छा, आप कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, और उनमें से एक मैं भी थी। अच्छा जी। अब वाइफ हूँ जी, बट आई नो हिम सो शक करना बनता है। और ये जो इंस्टाग्राम पे काम होता है ऐसे कैसे होता है रात को? इंस्टाग्राम पे काम करते हैं आप? रात को कभी कोई क्लाइंट के साथ में बात होती है इंस्टाग्राम पे, कोई सोशल मीडिया पे भी फ्रेंड्स के साथ इधर उधर बातें करते हैं, उसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई शादी किया तो अभी कोई सोशल साइट पे मत जाएंगे, फ्रेंड्स से नहीं मिलेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, दैट इज। आप माइक देखना इधर रख के आप बाहर जाके लड़ लो बाहर। पर ये मजाक में बोल रहे हैं, वैसे ही मस्ती मजाक के लिए, पर दोनों साथ में आए हैं तो
बड़े प्यारे हैं आप दोनों, बड़ी मजेदार बातें करते हैं आप। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पारुल है और मैं नोएडा से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन पूजा जी से है। पूजा जी, आप इतनी अच्छी सलाह देती है रिश्तों के बारे में, तो मुझे प्लीज एक सलाह दीजिए। मेरे हस्बैंड के पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। सी आज वो मेरे साथ भी नहीं है। तो आप प्लीज ऐसा बताइए कि मैं वो मेरे साथ कितना समय स्पेंड करें कि जो ये प्यार की च्युइंगम है इसकी कभी मिठास जाए भी ना और कभी फीकी भी ना पड़े। ओके, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। यू नो, एक किताब है लैंग्वेजेस ऑफ लव, और हर एक का एक्सप्रेशन ऑफ लव जो होता है अलग ढंग से होता है। कोई जो है साथ टाइम निभाने से अपना लव दिखाता है, कोई जो है बाहर जाके, घर के बाहर जाके मेहनत खून पसीना बहा के कमाई करके वो पैसे लेके आता है आपके लिए, और वो उसका लव होता है। सो आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट एवरी स्टेप और हर चीज़ को पॉजिटिवली देखना। अगर वो घर पे है तो वो टाइम को इतना इम्पोर्टेंट बनाइएगा कि इट मैटर्स। लेकिन मैं कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड का तो वर्क फ्रॉम होम है तो और उसके बाद फिर फुटबॉल देखते हैं, मेरे लिए तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप फुटबॉल खेलना शुरू कर देगा जब भी कोई काम कर रहा है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि हाँ फुटबॉल। आप भी जॉब करती हैं? आप हाउसवाइफ हैं, आप भी ये जॉब करती हैं? आप भी? मैं भी जॉब करती हूँ। आप जॉब करती हैं? जी मैं। कह रही हैं कि टाइम वो नहीं दे रहे। मैं पार्ट टाइम करती हूँ। अच्छा जी। मेरा 4 साल का बेटा है, अब तो वो भी बेचारा कहने लग गया कि पापा जरा कैब बुक कर दो, मम्मा और मुझे जाना है। देखिए 4 साल का बेटा है, टाइम तो दिया ही होगा भाई साहब ने। नहीं मतलब 9 साल की शादी में 4 साल का बेटा है मेरा। तो आप 9 साल की शादी में 10 बच्चे चाहिए थे मतलब क्या? सर आप बताइए, 2 साल की शादी में आपके तो खुद के 2 बच्चे हैं। हाँ जी। मेरी 9 साल मेरी तो 9 साल की शादी में 1 बच्चा है, तो आप बताइए। मेरा शो भी हफ्ते में 2 दिन आता है ना, तो 5 दिन में, पर आपके तो 24 घंटे घर पे एक्चुअली। शक्ल नहीं देखना चाह रहे वो हमारी। वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? वर्क फ्रॉम होम आईटी में करते हैं, इंजीनियर है वो। अच्छा। लेकिन जब भी मैं सोचती हूँ चलो उनके रूम में चली जाऊँ, चलो एक कप बैठ के चाय पी ले साथ में, तो कहते हैं मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है। अच्छा बाद में बात करते हैं। एक बार छुप के उनकी मीटिंग देखो जरा किसके साथ करते हैं। शुक्रिया पारुल, थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.